नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए आज शहर छावनी में तब्दील रहा। इस दौरान चप्पे चप्पे फोर्स तैनात रही। हर तब भारी फोर्स देखकर आम शहरी भी दहशत में रहे। वाटर कैनन, टीयर गैस गन समेत दंगल नियंत्रण अनुप्रण से लैस जवान दिन भर अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च करते रहे। देर शाम तक जवानों संग अफसर भी शहर भर भ्रमण करते रहे। कैब के विरोध में एक दिन पहले ही सपा समेत विभिन्न संगठनों की ओर से आज विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से रात में ही प्रदर्शनकारी को निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके तहत आज सुबह से ही शहर भर में चौतरफा भारी फोर्स उतार दी गई थी। जॉर्जटाउन में सपा कार्यालय के बाहर बालसन चौराहे, कर्नलगंज के कलेक्टर मुस्लिम बोर्डिंग समेत तमाम हॉस्टल, सिविल लाइन, सुभाष सम्मान मंदिर चौराहा, पीडी टंडन पार्क के बाहर, पुराने शहर चौक, घंटाघर, जानसंगंज, अन्य इलाकों में जगह जगह पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात कर पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सिविल लाइन में सुभाष चौराहे पर पत्ता के जाकर तक आरएफ के जवान भी लगा दिए गए थे। ड्यूटी पर लगाए गए सभी जवानों को दंगल नियंत्रण उपकरण से लैस किया गया था। दोपहर में सुभाष चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों के जुटने पर फोर्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों से पुलिस प्रशासन अफसरों ने बात की, उन्हें समझाया, जिसके बाद वो वापस चले गए। उधर पुलिस प्रशासन के अफसर भी लगातार शहर में भ्रमण करते रहे। सिविल लाइन से आसपास के इलाकों में फोर्स की कमान एसपी सिटी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने संभाली। वहीं अन्य अफसर कमलगंज, जॉर्जटाउन, पुराने शहर में मौजूद एसपी सिटी लगातार आरएफ के जवानों को लेकर एमजी मार्ग समेत सिविल लाइन के अन्य स्थानों पर गश्त करते रहे, साथ ही प्रदर्शनकारियों को समझाते भी रहे। उधर एसएसपी सत्यानंद पंकज भी लगातार शहर भर में भ्रमण की स्थिति नजर बनाए रख रहे। उधर पुराने शहर में कैब के विरोध में दोपहर में जुलूस निकालने के दौरान पुलिस बेहद सतर्क नजर आई। चारों ओर से घेरा बनाकर पुलिसकर्मी जुलूस के साथ साथ चलते रहे। शहर भर में फोर्स तैनाती के साथ प्रस्तावित प्रदर्शन देखते हुए पीटी टंडन पार्क के पास खास इंतजाम किए गए थे। यहां 203 थानों को पुलिस के साथ वाटर कैनन वैन भी इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा पार्क के चारों ओर आरएफ के जवान भी मुस्तैद किए गए थे। अघोषित रूप से एहतियात पार्क में एंट्री भी बैन कर दी गई थी। कड़े सुरक्षा इंतजाम देखकर पार्क के सामने होकर गुजरने वाले राहगीर भी सहमे रहे। आज जो प्रदर्शन हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या शांति व्यवस्था कैसी है? शांति व्यवस्था पूर्णतया कायम है और लोगों का आवागमन जारी है। इसमें जो लोग बिना अनुमति के ये प्रदर्शन कर रहे थे उसमें 200 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। 1844 लागू होने के बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं, तो अब कितने लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और कितने वो प्रक्रिया जारी है, उसको लोग कर रहे हैं। उसमें अभियोग पंजीकृत होंगे, जो 1844 तोड़ेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसी क्रम में 200 लोग के लगभग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। देखिए, जो नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है वो संविधान के अनुच्छेद 5, 14 और 21 का उल्लंघन है। हम लोगों ने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी इसका विरोध किया था और पूरे देश में विरोध हो रहा है, और अगर ये वापस नहीं लिया गया तो इसके बड़े ही दुर्गामी परिणाम होंगे।
इसलिए राष्ट्रपति को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको तत्काल वापस लिया जाए। अब NRC और कैब जो ये दो चीज़ें जारी की गई हैं, लागू की गई हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोगों को संविधान से पूरा हक है, हर तरह के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को, हर अलग अलग जगह से आते हैं यहाँ पे लोग। इंडिया में कोई एक लोग नहीं रहता है, ये एक मेजॉरिटी नहीं है कि ये हिंदू ही यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम का भी मसला नहीं है। ऐसा होता तो यहाँ पे जो इतने हिंदू भाई बहन आए हैं हम लोगों के दोस्त लोग साथ कभी नहीं आते। अब यहाँ पे लोगों के पास इतना दिमाग है, अगर मोदी जी और अमित शाह मिलके ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ इसको हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो हिंदुओं में भी इतना दिमाग है कि वो इस चीज़ का विरोध करते हैं आज भी, और हम लोग इसीलिए इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, मैंने सिंपल सा वहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया कि आप लोग गरीबों को कैसे आप वो हक दिलाओगे, वो तो सारे बेचारे जा रहे हैं डिटेंशन कैंप में, वो तो सारे मरने जा रहे हैं, आप कैसे उनको वो हक दिलाओगे उनका, आप बताओ। उनके पास जो प्रॉपर उनके हक के चीज़ें हैं, जो यहाँ पे योजनाएं बनाई जाती हैं उनके लिए वो लोग अवेल नहीं कर पाते क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो लोग इतनी बड़ी चीज़ के लिए इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे। आप इस बात का जवाब दीजिए मोदी जी और अमित शाह, और आप हर एक सिटीज़न को न्याय कैसे दिलाएंगे। अगर आप न्याय कर सकते हैं तो आप कर चुके होते। आज इतनी पब्लिक उतरी है सड़क पर, इसका कुछ तो मतलब होगा कि मतलब सब पागल है यहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता। सब अपने अपने दिमाग से सोच रहे हैं, कोई किसी को नहीं भड़काया है। थैंक यू। हुमा सिद्दीकी। मत लाइए, हम नहीं कह रहे कि मुस्लिम्स को लाइए, वहाँ मेजॉरिटी है मुस्लिम, वहाँ खुश है, लेकिन यहाँ के मुस्लिमों के बारे में भी तो सोचे कोई। और अगर वहाँ से लोग आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, सब आए, किसी के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तो क्या यहाँ पे हम लोग खुद अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हम? और जब यहाँ डिटेंशन कैंप बनेगा तो ये बताइए वहाँ खाना पीना या ये सब कुछ नहीं करेंगे वो? कुछ तो व्यवस्था करेंगे। इकोनॉमी के बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा, इसको हिंदू मुस्लिम बीजेपी RSS का इशू बना के रख दिया। बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये छोटी सी बात नहीं है। और समझने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो इसके बारे में अगर अपनी राय रख रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है। और जो भी लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोच समझ के करें, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आप सही हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, हो सकता है हम गलत हो सकता है, ऐसा कुछ हो भी नहीं। मेरा नाम अभिया नकवी है।